और ये मैंने ना गैस को चालू कर दिया है और इसमें यह डाल देते हैं 1 गिलास पानी। ये मैंने पानी रख दिया और ये हमने एक टुकड़ा दालचीनी का लिया है, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे क्योंकि हम दालचीनी का ही फ्लेवर बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। ऐसे तोड़ के डाल दो, ये मैंने डाल दिया। अब इसको ढक के पकाते हैं, इसको ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और ये देखिए लगभग लगभग बन चुकी है मेरी ये फैट कटर। अब देखो बस हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, देखिए कितना अच्छे से वो बंद उगल रहा है। ये उगलने देते हैं इसको और हम इसमें ऐड करेंगे नींबू, जो कि विटामिन सी से और हमारी स्किन हेयर सबके लिए, ज़्यादातर जो लोग घुटनों में दर्द रहता है उसके लिए तो अच्छा है, बहुत अच्छा होता है नींबू। और साथ में वजन भी कोई, तो हम नींबू भी ऐड करेंगे इसमें, आधा नींबू। और ये हमारा होम मेड फैट कटर रेडी हो चुका है, यानी दालचीनी की चाय रेडी हो चुकी है पीने के लिए। तो हम इसको भी ग्लास में निकाल लेते हैं। और मैं ये डेली पूरा चेंज कर करके पीती रहती हूँ, कभी इसकी कभी उसकी कभी ऐसी बना भी रहती हूँ। अब मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, तो चलो हम इसको निकाल लेते हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, बन चुका है पूरा, ये गैस कर देते हैं ऑफ। अब मैं इसको निकाल लूँ, छान लेती हूँ। देखिए ये बन चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करते हैं आधा नींबू का रस यानी जूस। अगर आप नींबू नहीं ऐड करना चाहते, नहीं आपको अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो। लेकिन नींबू तो हमारी स्किन के लिए और वैसे भी विटामिन सी होता है, तो उसमें बहुत हेल्पफुल देता है, बहुत बेनिफिट देता है ये। और नींबू हमने सारे दिन में कम से कम एक नींबू तो अपनी डाइट में लेना चाहिए। तो हम इसको कर देते हैं मिक्स और ये हमारी होममेड फैट कटर बन के रेडी है, यानी दालचीनी की टी चाय हमारी बन के रेडी हो गई। अब हम इसको पी सकते हैं और मैं जा रही हूँ इसको पीने के लिए। और प्लीज़ आप भी बनाइए और आप भी इंजॉय कीजिए और अपना वजन कम कीजिए इससे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी ये चाय दालचीनी चाय होममेड फैट कटर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो।